तो भाई क्या आस्किंग है इसकी, कितनी डिमांड कर रहे हो? भाई बाइक से कम रेट पे आपको गाड़ी मिल रही है 50,000 रुपए में। स्प्लेंडर भी ना रही है। तो इसके पार्ट्स वगैरह का क्या सीन है? अरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोल दो, बेल आइकन दबाना। लोगों के लिए जो सेकंड हैंड ओन्ड गाड़ी, हमने गाड़ी में कंपैरिजन करके देखना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, जो लोग चैनल पे बने हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई को सपोर्ट करें, बेल ना भूलें, ठीक है। हेलो भाई, मैं सोभित धाना। तो भाई आज अपने पास आई हुई है एक बहुत छोटी बहुत ही क्यूट सी गाड़ी, एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। तो गाड़ी की चाबी देख लो आप सबसे पहले। तो ये इस पे लोगों देख के तो आप पहचान ही गए होगे, तो जो भाई ना पहचाने वो गाड़ी देख लो। गाड़ी अपने सामने खड़ी हुई है सेवरले स्पार्क LS, एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। तो जो भाई सेकंड हैंड मार्केट में एल्टो सेंट्रो वगैरह देख रहे हैं तो वो भी देख लो, इसका पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको देंगे। अगर आप सेकंड हैंड लेने की सोच रहे हो तो आपको लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए, कैसा इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है ओनर का, वो सारा जानेंगे। तो भाई सेवरले इंडिया से जा चुकी है, 2017 में इन्होंने अपनी सेल्स वगैरह सब पे रोक लगा दी थी। तो कोई भी सेवरले की नई गाड़ी आपको ऑन रोड देखने के लिए अब नहीं मिलेगी। तो इनकी सबसे पहले तो टवेरा वगैरह आई थी, वो आपने देखी होगी, वो ठीक ठाक चली। फिर क्रूज, बीट, स्पार्क, ये 2014-15 में इन्होंने बंदी कर दी थी अपनी, ये वाला स्पार्क भी। तो देखते हैं, इसके ओनर से मिलते हैं। तो इसके ओनर हैं हमारे मोहित भाई। तो क्या हाल है मोहित भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाइए। और वे बैठे एक हमारे चिंटू भाई, इस गाड़ी के ही ओनर हैं। तो ये गाड़ी अपना 2009 मॉडल है, 2009 है भाई, 2008 2008 का इसका जो रजिस्ट्रेशन है, हाँ 16 नंबर है। हाँ, यूपी 16 रजिस्ट्रेशन है। तो जो यूपी 16 है, आप रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले तो भाई हम मेरठ जिले के हैं, भीरखेड़ा। करते क्या हो आप? फार्मिंग का काम भाई खेती वगैरह का। हाँ, तो भाई अपनी कौन कौन सी गाड़ी ऑन करते हो आप? एक तो भाई स्विफ्ट डिजायर है 2016 मॉडल। हाँ, डीजल में है वो? डीजल में भाई। हाँ, एक अपने सेवरले स्पार्क है, ये सेवरले। तो भाई इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर सेकंड हैंड आप गाड़ी देख रहे हो 1 लाख के बजट के आसपास, तो इस गाड़ी पे जा सकते हो नहीं, वो सारा एक्सपीरियंस इसके ओनर से जानेंगे। मतलब पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं, सर्विसिंग कैसी है, ये सारी चीज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक तो भाई स्विफ्ट बताई आपने, और दूसरी कौन सी बताई? ब्रीजा। ब्रीजा कौन सा मॉडल है? 2022। अब जैसे मैंने चलाई, मैं इसका मीटर देख रहा, तो ये भी 22-23 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, और 2008 मॉडल आप इसे बता रहे हो? अप्रैल 2008 की मैंने वो है इसका। हाँ, तो भाई इतनी कम कैसे चली हुई है? और बहुत गाड़ियां भाई अपने पास, और इतना कोई चलाने वाला है नहीं घर में, छोटे भाई हैं वो अपने स्कूल वगैरह जाते हैं, तो इतना कोई नंबर आता नहीं है किसी का। और अब तो इसकी कागज वगैरह में एज भी बहुत कम रह रही होगी, 1.5 साल के करीब रहे, लेकिन ये ना 2 साल चली हुई गाड़ी के बराबर मानी जाएगी ये, इतनी मतलब। हाँ, 22 हज़ार चली हुई है, और इसके टायर्स बिल्कुल नए, एक तो इसके टायर्स वो सूख गए थे शायद। हाँ, अगले वाले वो हमने भाई गवर्नमेंट थोड़ी ना मानने की इस चीज को, गवर्नमेंट तो कागज NCR से बाहर कहीं भी आप चलाओगे तो वो हाँ। ऐसी कोई रोक टोक है नहीं। हाँ, नॉन पोल्यूटिंग गाड़ी है, अपना पेट्रोल में ना CNG ना इंजन में पूरा दम है। हाँ, नहीं चली है, और इसकी आप देख सकते हो बाहर से भी इसका मतलब ना कहीं डेंट पेंट छोड़ो बहुत अपने। तो ओवरऑल मैं इसकी कंडीशन दिखा दूंगा आपको। एक बात बताओ, जैसे डिजायर भी आप यूज कर रहे हो, ब्रीजा भी यूज कर रहे हो, तो एक ऐसा हो गया जैसे ये सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे जैसे रखे हैं, तो कोई भी घर में तो ऐसा हो गया CNG लगवा के चलावे बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ये आपने एक तरफ खड़ी क्यों कर दी, इतनी कम क्यों चलाई है? कि वो डीजल की गाड़ी का फिर क्रेज आ गया। हाँ, पेट्रोल में है, फिर पापा ने हमने CNG लगवाना ठीक नहीं समझा। अब कोई अगर हम देना चाह रहे हैं तो कोई तो अगर कोई दूसरा बंदा से CNG में यूज करेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो CNG लग के तो और गाड़ी देखी है सेवरले स्पार्क, इससे अलग तो बढ़िया। अगर बस एल्टो के पार्ट्स वगैरह और इसके पार्ट्स वही है कि मारुति सुजुकी की एक तो सर्विस कॉस्ट वगैरह जो पड़ती है, और पार्ट्स वगैरह कहीं भी लोकलिटी में कहीं भी अवेलेबल हो जावे। तो इसके पार्ट्स वगैरह का क्या सीन है? पार्ट्स का तो अभी मतलब पहले तक तो ठीक था। हाँ, जैसे कंपनी हम आपने बताया 2017 के बाद से। हाँ, 2017 के ऑफिस बिल्कुल बंद। हाँ, पहले भी बाहर ये ना बाहर से मैन्युफैक्चर हो गया, प्लांट था नहीं, तो अभी भी इनका महिंद्रा के साथ टाई अप है। हाँ, तो सर्विसिंग वगैरह की वहाँ अवेलेबिलिटी है, जो भी पार्ट्स वगैरह सब वहाँ मिलते हैं। इस गाड़ी के पार्ट्स अगर आप कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ खराब सभी के मिलेंगे, क्रूज है, हाँ, आपके टवेरा है कोई भी, वहाँ आपको पार्ट्स मिल जाएंगे आराम से, बिना वेटिंग वगैरह के, बिना चक्कर कटाए वहाँ है। लेकिन
हमें डिमांड लिखवानी पड़ती है अपने। हाँ, फिर एक से दो दिन में अवेलेबल हो जाए। तो भाई देख लो कितनी पुरानी गाड़ी है और इसका पेंट वगैरह देख लो। तो ये कहाँ से ये कैसे मार दिया से? ये छोटा भाई सीख रहा था तो साइड में थोड़ा सा लग गई थी, कोई दिक्कत नहीं। यार डेंट और पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, कहीं भी डेंट पेंट फिट नहीं होगी अंदर ही। हाँ, साइनिंग बिल्कुल मतलब बढ़िया साइन है, देख लो आप कलर ऐसे ना देखो, मीटर देखो, हर चीज ऐसी जैसी थी। हाँ, पिछले वाले टायर आप देख लो, ये वही है जो कंपनी से आए थे। ये 22 टायर कितने 100% ही है, तो नए डलवाए टायर? नहीं वही है जी, अगले वाले टायर हमने नए डलवाए, अगले वाले टायर फूंक के। अच्छा, ये पिछले साथ के ही है? हाँ जी, हाँ जी, अगले नए डलवाए हैं, अगले नए डलवाए। क्यों आप देख सकते हो ये MRF का, वो सीट के दोनों अगले वाले। हाँ, एक बार जूम करूंगा। हाँ, ये MRF का है ये रहा, यहाँ ये सीट का। और ये टायर भी नया, तब 20 दिन हुए डलवाई गाड़ी की सीट। ये ना गाड़ी के टायर खड़े खड़े जो सूख जाते हैं। हाँ, फिर ना चलने लायक नहीं रहती। तो ये है मतलब रनिंग वगैरह अपनी उससे डिजायर वगैरह से ब्रीजा से ज्यादा करो आप, इसे तो यूज में है ही ना तो कहीं है। तो अब इसे सेल वगैरह करने का मन है आपका? बिल्कुल भाई, बन रहा है ना, एक दो गाड़ी और लाने का मन बन रहा है। और कौन सी गाड़ी लेने की सोच रहे हो? जो पार्किंग में अपना मतलब ये इसमें फोग लैंप पीछे हैं फोग लैंप दे रखे हैं इसमें पीछे भाई। तो और कौन सी गाड़ी लाने का मन बन रहा? देखते हैं जो भी पसंद आएगी अपनी मारुति। तो भाई जो अगर सेवरले स्पार्क लेना चाह रहा हो वो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। तो भाई क्या आस्किंग है इसकी, कितनी डिमांड कर रहे हो? 50,000 डिमांड है भाई, लेकिन अगर आपके चैनल से कोई आएगा तो उसके लिए स्पेशल एक छूट रहेगी। अच्छा जी, इनिशिएटिव दिखाया हमारी वीडियो डालने के लिए। हाँ, तो आपके लिए हम एक स्पेशल जो भी डिस्काउंट आप बोलेंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगर गाड़ी बिल्कुल नहीं है कुछ इसमें दिक्कत नहीं, वो भाई गियर वाला फैक्टर है। हाँ भाई, 12-15 साल हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन NCR से बाहर आप जहाँ भी चलाओगे ना। हाँ, गाड़ी में कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत या कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके। हाँ, इंजन खोल के देखो ना, वहाँ कुछ दिक्कत है, मतलब कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बस 22,000 चली हुई है। 22,000 पे देखो आप व्हील कवर। हाँ, से अंदर लगा लो, वही व्हील कवर है जो कभी कंपनी से आए थे, साथ वाले ही हैं, बिल्कुल सेम है। इसपे ना स्क्रैच है ना कुछ है, तो इसमें कोई समस्या वाली तो बात है ही नहीं। तो 22,000 चली हुई है अपनी गाड़ी और पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, कहीं डेंट पेंट है ना गाड़ी पे कहीं भी। और 50,000 हाँ हुआ है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी है इसमें, स्पीकर वगैरह कंपनी के ही साथ के हैं, सोनी वगैरह के हैं। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं अंदर से, पहले मीटर दिखा दूँ आपको एक बार। तो भाई जो गाड़ी लेना चाह रहा हो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में मैं भाई का ही नंबर डाल दूंगा, तो भाई से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना। और जो भाई का नंबर ना मिले बाई चांस तो मुझे कॉल कर सकते हो आप, आ जाओ बैठ जाओ आप भी। तो भाई ये देख लो, बाईस हजार 480 किलोमीटर ये चली हुई है अपनी। तो इसका इंटीरियर तो ऐसा अपना जैसे नैनो का है, पहले बीच में मीटर से में। हाँ, जैसे मतलब सेवरले ने छोटी गाड़ियों में अपना इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा बीट भी थी। हाँ, बीट से कुछ थोड़ी बड़ा ही है, बीट में भी अजीब सा मीटर दिया है। हाँ, स्टीयरिंग से ऐसे निकला हुआ। तो ये देख लो जो इंडिकेशन मिलता है वो बत्ती वगैरह का, वो तो यहाँ मिलेगा, जो टोटली गाड़ी इंडिकेट करती है, बैटरी टेम्परेचर इंजन विंजन की लाइट यहाँ है, और स्पीडोमीटर इसमें यहाँ मिलेगा आपको बीच में, स्पीडो फ्यूल और यहाँ ये ट्रिप वगैरह का और हीट वगैरह की, हाँ इसमें सारी कुछ मिलेगा। एसी विंड्स इसमें हाँ देखने के लिए मिलेंगे इस तरह के कुछ। इस गाड़ी का एसी वगैरह कैसा आप ना भाई? एसी की भाई कूलिंग अच्छी है, मैं अच्छी कूलिंग है, आप चला के देख लो, बढ़िया है कूलिंग एसी की, बेहतरीन। मारुति को मारुति के कंपैरिजन का है नहीं? मारुति के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। एसी वगैरह बढ़िया, और अंदर से कंडीशन देख लो आप इसकी, कहीं भी अंदर से भी कोई दाग डैशबोर्ड भी बिल्कुल नहीं, कोई एक ही आदमी ने चलाई वो छोटा भाई ने, देखो। हाँ, बिल्कुल कहीं से कोई गंदगी नहीं, कोई मतलब कोई ऐसा ना दाग से जैसे कलर वगैरह से छूट जाओ बटनों के भी, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और एसी भी सही कूलिंग कर रहा, और म्यूजिक सिस्टम भी अपने सोनी के स्पीकर लगे हुए हैं इसमें, तो बढ़िया बजाए स्पीकर, बढ़िया भाई। तो डोर में तो है ना ये आगे डैशबोर्ड में दो स्पीकर, और दो पीछे हैं इसमें अपने, ये भी सोनी के लगे हुए हैं दोनों स्पीकर। और इसमें अपनी दो पावर विंडो आती है, है जी भाई? हाँ जी भाई, ये फ्रंट दो पावर विंडो है, और ORVM भी कुछ इस तरह से है इसमें, और ORVM के साइड में यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए आपको मिल जाएगा, आपको दिखा दो भाई। तो ये सोनी के स्पीकर है, इसमें अपने स्टोक है, कंपनी के साथ की है भाई या आउट ऑफ मार्केट करवाए हैं? आउट ऑफ मार्केट कराए भाई,
आपको दिखा दूं एक स्पेशल आफ्टर मार्केट करवाएं। ये ना गाड़ी हम इतनी यूज नहीं करते, इसमें मैं अभी दिख गया तो आप देखो ये 23/7/2008 में मतलब गाड़ी ये रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा 23/7/2008 में है। ऐसे की ऐसी ही रखी हुई है, मतलब गाड़ी हम ज्यादा चलाते नहीं है ऐसे की, तो अपने पास ऐसी भाई 2000 मैं वही तो बता रहा हूँ 2008 9 से 22000 गाड़ी चलना बहुत बड़ी बात है, रेयरली यूज। तो ये जब आपके यूज में नहीं था आज से पहले सेल की नौकरी आपने, अब वो पहले वो नियम नहीं था ना उसका वाला एनसीआर में चले, फिर अपना ये हमारे पास पार्किंग स्पेस था सबसे मेन बड़ी बात तो कि अपना खड़ी है और अपनी गाड़ी ला रहे हैं तो स्पेस तो अपना खाली करना पड़ेगा उसके बाद। तो भाई की फार्मिंग 1000-2000 बीघे का फार्म है तो कोई दिक्कत ना, एक दो गाड़ी तो ऐसी खड़ी होनी चाहिए। तो भाई मजाक वाली बात होगी, लेकिन खेत वगैरह के कामों में आप इसे चला रहे हो है? नॉर्मल एफएनए खेतों के ज्यादा में दौड़ा रहे हैं भाई। स्पेस तो इसमें एल्टो वगैरह से तो ज्यादा है, एल्टो से ज्यादा है, एल्टो से अच्छा अगर आप एल्टो से अच्छी इसकी पावर है सब कुछ। हाँ 1000 cc का इसमें इंजन मिलता आपको और एल्टो से ज्यादा स्पेस है, पार्ट्स उस पे मिलेंगे कहीं या दिल्ली में अवेलेबल हो जाएंगे पार्ट्स भी इसके, करोल बाग जहाँ गाड़ी वगैरह कटे वहाँ तो मिल जाएंगे और पीछे बिल्कुल भी बजी हुई नहीं। देखो आप इसकी पीछे भी देख लो भाई स्पेस, पीछे भी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, तो बढ़िया स्पेस है पीछे भी, एल्टो से ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है अगर सेंट्रो जितना स्पेस इसमें होगा अपना है। भाई आपने कितनी चलाई होगी लगभग? मैं तो रेयरली यूज करता हूँ, आप आगे चला के लिया है। हाँ छोटा भाई है सौरभ ने चला, सौरभ वैसे हम तो चिंटू के नाम से जाने भाई को, इसका आ जाओ तो चिंटू भाई आप भी आ जाओ। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो कितने किलोमीटर चला दिए भाई आपने? भाई 22 चली हुई है। 22 चली हुई है। तो गाड़ी में चलाने वगैरह में कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं, जैसे अपने भाई कोई लेना चाहे कोई परेशानी नहीं भाई। ये एल्टो सेंट्रो वगैरह कोई देख रहा हो तो उस इस पे जाना चाहिए। एल्टो के कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छी है भाई। हाँ। एल्टो सेंट्रो के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है, वो गाड़ी बहुत जल्दी बच जाती है। हाँ। आप भी चला के देख लो खुद। नहीं तो गाड़ी 15 साल चल जाएगी। हाँ। आज जो इसकी कंडीशन है उसके हिसाब से 15 साल चल जाएगी गाड़ी। चल जाएगी लेकिन एनसीआर में तो ना चलेगी, बाहर चल जाएगी। हाँ एनसीआर से बाहर चल जाएगी। कोई भाई अगर एनसीआर से बाहर वीडियो देख रहा हो, एनसीआर से बाहर लेना चाह रहा हो तो वे ले सकता है, और जो एनसीआर में भी 1.5 साल चलाने के हिसाब से ले रहा हो तो वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाइक से कम रेट पे आपको गाड़ी मिल रही है 50,000 रुपए में, स्प्लेंडर भी ना रही है। फिर इसमें दूसरा ये है। हाँ। अभी भी एक दो लड़के आए थे देखने। हाँ। हमने 50,000 रुपए मांग करी है। हाँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो आएगा। हाँ। लेकिन हो जल्द से जल्द, ऐसा ना हो कि आपसे पहले कोई आ जाए। हाँ। तो आप मेरा नंबर डाल दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका नंबर। आपका डालूं भाई का डालूं? हम साथ ही रहते, किसी का हाँ अपना डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ना ना मैं आपके डाल दूंगा। तो भाई जो भी लेना चाह रहा हो कर सकता है। तो ठीक है भाई वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ। मैं तो आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं भाई, गाड़ी बढ़िया चलाओ, बढ़िया रखो, कोई दूसरा बंदा ले तो मतलब उसके मन को संतुष्टि हो, ऐसा ना हो कि वो लेकर दुख के भाई वहाँ बंद हो गई। हमने हमारे चैनल को हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोल दो, लाइक कर दिया लोगों के लिए जो सेकंड हैंड ओन्ड गाड़ी हमने गाड़ी हम कंपैरिजन करके देखना चाह रहे हैं, गाड़ी देखने जा रहे हैं, जो लोग चैनल पे बने हुए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भाई को ज्यादा सपोर्ट करें, बेल ना भूलें। ठीक है तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।